विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और पहले चरण में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 7 नवंबर को जगदलपुर सहित बस्तर की 12 विधानसभा सीटों समेत 20 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है। इससे पहले हम आइए जानते हैं कि जगदलपुर में क्या मतदाता बोल रहे हैं और वे किस तरीके से चुनाव में किन मुद्दों को अपना आधार बना करके राजनीतिक दलों को वोट करेंगे। हमारे साथ में कुछ व्यापारियों से, हम छोटे व्यापारियों से बात करते हैं। जी भैया बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके मतदान करने को लेकर के? या अपना जो मुद्दा है बस क्या बोलने से साफ सफाई और लाइट वाइट का सब व्यवस्था बढ़िया और हम छोटे व्यवसायियों के लिए कुछ स्थायी धंधा इस टाइप का। इसके अलावा जो है बस्तर के सिनेरियो पे आप क्या देखते हैं कि क्या मुद्दे हो सकते हैं? अब ग्रामीण क्षेत्र है सर, यहाँ पे क्या बोलने से बाकी काम तो इस बार कांग्रेस शासन में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो रोड हम लोग इतने साल से रहते थे गीदम रोड कभी नहीं बना था, कांग्रेस शासन में बन गया। गणपत सागर का काम हुआ, गंगा मुंडा का काम हो रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में विकास के काम हुए हैं जगदलपुर विधानसभा में, आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में और किन मुद्दों पे वे वोटिंग करेंगे। भैया आप बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में और आप किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे? कांग्रेस मुद्दे क्या रहेंगे, क्यों क्यों वोट करेंगे कांग्रेस? वोट किसी को नहीं देना है, कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं, क्यों वोट नहीं देना है? झाड़ू छाप को देंगे हम लोग इस बार, नया सरकार बनाएंगे। तो क्या कारण है कि आप झाड़ू छाप को लेकर के आ रहे हैं? सरकार वही सरकार क्या कितना भी काम करेगा, कोई नया आदमी को देना है, कोई नया परिवर्तन आएगा। जैसा बताया जा रहा है परिवर्तन चाहते हैं और कुछ जो लोग हैं वो नए मोर्चे को, तीसरे मोर्चे को मौका देने की बात कर रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हमारे साथ में एक भाई हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे। दादा कहाँ से आए हो आप? लौंडीगुड़ा से आए हो। तो क्या आप क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार? इतना पतला नहीं है मेरे को। नहीं तो आपके गांव में क्या समस्या है, क्या क्या समस्याओं को लेकर के आप किसके साथ जाओगे? किसके जाने होगा पता नहीं, अभी कहाँ मालूम नहीं है नाम को, हम तो दस रहा मेरा सब लोग तो। नहीं तो वोटिंग तो करोगे आप? वोटिंग तो करेंगे। किसको वोट करोगे, कैसे, क्या देख करके वोट करोगे? बातचीत चलेगा नहीं गांव में जाने से। अच्छा तो किसको देना है बोल के सब लोग विचार होएंगे उसके बाद देंगे। तो आप अपने मन से नहीं दोगे, आप लोग विचार करके दो देंगे? नहीं फिर भी पूछेंगे कैसा किसको बनाना है बोल पूछेंगे गांव में, एक साथ फिर दे देंगे। तो जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि वे अपना वोट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो किसे अपना वोट देंगे। एक और हमारे साथ में एक भैया हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किस आधार पर मतदाता वोट करेंगे। भैया नमस्कार। आप चुनाव के विषय में अपन क्या बोले, आप तो देख ही रहे हैं पूरा ठंडा बस्ते में, जैसे व्यापार ठंडा हो गया है वैसे चुनाव का भी लहर ठंडा चल रहा है। क्या मुद्दे आप देख रहे हैं, किन किन मुद्दों को देख करके आप वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दे तो हमेशा व्यक्ति अपना मुद्दा देख के ही करता है, परंतु इस बार अपन सोच नहीं पा रहे हैं कि किस व्यक्ति को दें, क्या करें। व्यक्ति विशेष चल रहा है इस बार, तो मतदान अपन करेंगे व्यक्ति विशेष के रूप में करेंगे अपन। कुल मिलाकर के वोटर पूरी तरीके से साइलेंट है और साइलेंट वोटर ऐसा माना जाता है कि बड़ा खतरनाक होता है और ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि वोट किस क्या पार्टी को जाएगा और किसका कौन सी दल का विधायक जगदलपुर में आएगा, इसे लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। कारण इसका यह है कि वोटर पूरी तरीके से खामोश है। जगदलपुर से वन इंडिया के लिए ऋषि भटनागर।